अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक साथ कई खबरों पर तस्करा करने का मौका आया। हरियाणा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, अब मामला मुखालिफ सिमत में जाते हुए देखा जा रहा है। उसी तरह जैसे भारत की मीडिया इसराइल को लेकर बयानबाजी करती रहती है, क्योंकि आज इसराइल की भी खबर पर बात करना जरूरी है। कभी कभी डर लगने लगता है कि इसराइल से पहले कई मुस्लिम मुल्कों को नक्शे से भारत की मीडिया ही गायब न कर दे। भारत की मीडिया की सुर्खियां भी अजीब और गरीब देखने को मिलती है। ईरान नक्शे से गायब, इसराइल ने किया हमला, लेबनान भी हुआ खत्म, और इसी तरह भारत की मीडिया सऊदी अरब तक खुद ही पहुंच जाती है। वाकई इसे कमाल ही कह सकते हैं। जबकि इसराइल की हकीकत देखी जाए तो इसकी तो फटी पड़ी हुई है। अल कुदूस ब्रिगेड, हिजबुल्ला, अल कासिम, हमास, यमन के हुती जंगजुओं ने इसराइल की मिट्टी पलित की हुई है। यहाँ के लोगों के जान के लाले पड़े हुए हैं। कहाँ छिपे कहाँ न छिपे, नेतन्याहू खुद बंकर में भागकर छिपने की कोशिश करे। लिहाजा किसी तरह यहाँ के मुसलमानों को वहां की झूठी खबरें दिखाकर परेशान और हिरासा करना, यही एक मकसद देखने को यहाँ के गोदी मीडिया का मिलता है। खैर, आज मौजू कुछ अलग है। इसराइल ईरान जंग नहीं है, बल्कि इस पर हम कभी और वीडियो बनाएंगे, बल्कि भारत के हरियाणा में हुए चुनाव पर है। किस तरह भाजपा बेईमानी के जरिए चुनाव के नतीजों को बदलती है, इसकी मिसाल आज हरियाणा के चुनाव के पस मंजर में देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि जानबूझकर नतीजों को देर से जाहिर किया जा रहा था, जबकि 10 से 12 राउंड की गिनती मुकम्मल हो चुकी थी, पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट ही नहीं किया जा रहा था, और वहां बैठी ये गोदी मीडिया भी चौथे पांचवें मरहले के नतीजे ही पेश कर रही थी। खैर, हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं और अब तक रुझानों के हिसाब से भाजपा 45 पर तो कांग्रेस 48 पर पहुंच चुकी है। भाजपा के दफ्तर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह से बात बताई जा रही है। यहां तक बेलगाम के साउथ भाजपा एमएलए अभय पाटिल ने भी बेलगाम में जश्न मनाया। कांग्रेस टिकट से चुनाव मैदान में रही विनेश फोगाट भी जीत की तरफ बढ़ चुके हैं। अभी हासिल इत्तला के मुताबिक वो जीत भी चुके हैं। हरियाणा को लेकर पहले से ही एक माहौल भाजपा के विरोध में देखा जा रहा था। आज इन तमाम सवालों को उठने के पीछे यही वजह है कि किसी तरह का माहौल भाजपा के हक में नहीं था। किसान एहतजाज का भी काफी असर हरियाणा में रहा। साथ में हरियाणा के पहलवानों ने भाजपा विरोध में जो मुहिम चलाई थी, इससे यकीनी था कि भाजपा की हार यहाँ होनी है, पर नतीजे अलग ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कहा कि जहां जहां जीत यकीनी थी वहां हारने की तला हासिल हो रही है। खैर, अब नया तरीका भाजपा ने जीत हासिल करने का निकाला है। वैसे तो ईवीएम हो या फिर जीतने के बाद एमएलए खरीदना वगैरह, ये तो पूरा ड्रामा लोगों ने देखा है, लेकिन नया निकाला जो है वो इस तरह से कि वो वेबसाइट को ही अपडेट करते रहे और वहां पे अफसरान पर दबाव बनाए रहे। ईवीएम का किरदार भी सभी देख चुके हैं। कई सारी शिकायतें हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास रखने कांग्रेस जा रही है। अभी भी नतीजे साफ नहीं है, पर भाजपा जश्न जरूर मना रही है। आखिर तक ये भी हो सकता है, उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि भाजपा का जश्न मातम में बदल सकता है। खैर, अगर भाजपा जीत लेती है तो इसे बेईमानी की जीत होगी, ऐसा कहते हुए कांग्रेस लीडरान को देखा जा रहा है। इन तमाम के दरमियान सोशल मीडिया की अहमियत बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया पर गोदी मीडिया का ठप्पा तो पहले से लगाया जा चुका है। और ताज्जुब की बात भी कही जा सकती है कि जब वोटों की गिनती होती रहती है तो वहां बैठी मीडिया भी अपने नतीजे पेश करती रहती है, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों के वक्त मामला अलग देखने को मिला। चौथे पांचवें राउंड की ही गिनती दिखाई जा रही थी, जबकि गिनती 10वें 12वें राउंड तक पहुंच चुकी थी। आखिर नतीजे बाहर क्यों नहीं आए? क्या अफसरान पर हुकूमतों की जानिब से दबाव डाला जा रहा था? मीडिया इस तरह खामोश क्यों थी, वगैरह कई सवालात के साथ जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने मौजूदा नतीजों पर सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव के वक्त भी इस तरह का माहौल बनाया जा चुका था। खैर, इन इल्जामात को सही समझने वाला भी एक बड़ा तबका इसलिए है क्योंकि भाजपा की हुकूमत से किसान काफी परेशान रहे, वहां की आवाम परेशान थी। कहीं पर भी आपको एक भी पॉजिटिव उस तरह का नतीजे नजर नहीं आ रहे थे। अब फिर से एक बार मोदी का जादू कहते हुए देखा जा रहा है। किसान आंदोलन में किसानों पर लाठियां बरसाने वाली यही हुकूमत थी, क्योंकि पिछले 10 सालों से यही हुकूमत है। इसी हरियाणा में किसान एहतजाज के वक्त सैकड़ों किसान जान बहक हुए हैं। बेरोजगारी में हरियाणा देश में सबसे पहले नंबर पर। आखिर जनता किस बुनियाद पर वोट भाजपा को करे? खुद यहाँ के आवाम भी नतीजों से हैरान है। लिहाजा सवाल उठना लाजिम हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की गिनती स्लो डाउन होना, इस पर भी सवाल उठाए जा चुके हैं। पूरे देश में हरियाणा में कांग्रेस की जीत यकीनी मानी जा रही थी, और यहाँ तक कांग्रेस क्यों जीत रही है इसके तफसीलात भी सियासी माहिरीन कर रहे थे। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि भाजपा ने जीत दर्ज की हुई है?
और हुकूमत बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। जाहिर है जनता भाजपा के विरोध में थी, लोगों में किसान आंदोलन को लेकर हो या महिला खिलाड़ी और पहलवानों को लेकर नाराजगी थी, तो भाजपा की जीत का क्या मतलब हो सकता है। सुबह से कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा था, फिर दरमियान में भाजपा की बढ़त दिखाई गई और तब से स्लो डाउन किया गया। चौथे पांचवें मरहलों के नतीजे को ही बार बार दिखाया जा रहा था, जबकि दसवें और बारहवें मरहले की गिनती चल रही थी। इसका मतलब कुछ तो वहां हुआ है, ऐसा कांग्रेस के साथ साथ यहाँ की आवाम का भी कहना है। पर भाजपा जीत का दावा कर रही है और नतीजे भी तकरीबन उसी दिशा में निकलते हुए देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर तो कहीं जा सकती है, लेकिन उसूल तो यही कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। लिहाजा भाजपा की जीत एक बार फिर सवालिया निशान के साथ दर्ज की जा रही है। कुछ ने तो भाजपा की जीत को बेईमानी की जीत कही है। बेलगाम में भी जश्न मनाया गया, जम्मू कश्मीर के नतीजे भी आए हुए हैं। यहाँ तो उमर अब्दुल्ला वजीर आला बनेंगे। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लीन स्वीप हासिल की हुई है। 50 सीटों पर कामयाबी के साथ हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बन रही है। भाजपा ने कुछ हद तक यहाँ भी बढ़त हासिल की हुई है। पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली है, भाजपा को 29 सीटों पर कामयाबी, ये भी लंबे फिक्र कह सकते हैं। खैर, सबसे ज्यादा चर्चा हरियाणा की हो रही है। कांग्रेस खेमे में अचानक सन्नाटा है तो ढोल नगाड़े भाजपा दफ्तर में बजाए जा रहे हैं, लेकिन इस जीत को कांग्रेस कबूल करने को तैयार नहीं। लिहाजा क्या भाजपा की जीत बेईमानी की जीत, ऐसा सवाल किया जा रहा है। आने वाले 2 दिनों में कई सारी शिकायतों के साथ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कांग्रेस के लीडरान करने वाले। आखिर जीत भी सवालों के घेरे में कैसे आती है, यह हरियाणा के चुनाव से देखने को मिला। इतना जरूर, आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।